हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आपने आज से पहले ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इसे बनाने के लिए मावा, मलाई, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही चाशनी बनाने का कोई झंझट। एक चम्मच घी में लाजवाब मिठाई बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूले। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 140 ग्राम के करीब पतली वाली रोस्टेड सिवई लिया है। इसे हाथों से इस तरह से मसल कर छोटे टुकड़े कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे नाप लेते हैं, करीब एक कप के करीब हुआ है। एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होते ही हम इसमें सेवई डाल देंगे। अब धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते हुए सेवई को हमें भूनना है, जिससे सेवई की भुनाई अच्छे से हो सके। हमने यहाँ पे रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुनहरा कलर आने तक हमें इसे भूनना है। सेवई को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है और इसे अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप यहाँ पे कच्चे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। नारियल डालने से मिठाई में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है, आप इसे ज़रूर डालें। अब नारियल को सेवई के साथ इसी तरह अच्छे से मिक्स करते हुए धीमी आँच पर 2 मिनट हम इसे और भूनेंगे, जिससे कि नारियल का पूरा फ्लेवर सेवई में आ जाए। 2 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से महक उठा है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है। जिस कप से हमने सेवई लिया था उसी कप से 1.5 कप दूध लिया है। दूध में एक उबाल आने देते हैं। जब तक दूध में उबाल आता है हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप से कम यानी 3/4 कप के करीब चीनी लिया है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतना चीनी इस मिठाई के लिए परफेक्ट है। 2 हरी इलायची डाल रहे हैं खुशबू के लिए। 6 काजू डाल रहे हैं। काजू के जगह आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट की मात्रा को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे बारीक पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। दूध में उबाल आ गया है, इसमें हम पीसी हुई चीनी डाल देते हैं और चीनी को इस तरह से दूध में अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। चीनी के डालने के बाद आप देखेंगे कि ये दूध थोड़ा पतला हो जाता है, तो इस दूध को हमें 2 मिनट अच्छे से पकाना है, जिससे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध को हमें गाढ़ा नहीं करना है। दूध को 2 मिनट पका लिया है, अब इसमें सेवई डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। इस मिठाई में सेवई का कुरकुरापन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपको इसका कुरकुरापन थोड़ा कम चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट मिठाई चाहिए, तो अब यहाँ पे आप 1.5 कप दूध की बजाय 2 कप दूध का इस्तेमाल करें। और इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए धीमी आँच पर पकाना है, जिससे कि सेवई थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका क्रंच भी बना रहे। और आप देखेंगे कि सेवई दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके गाढ़ा होने लगेगा। इस मिठाई को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और स्वाद भी काफ़ी लाजवाब होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की आसान सी रेसिपी लेके आ सकूँ। अब ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है और पैन को भी आसानी से छोड़ रहा है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपने इसे ज़्यादा पका दिया तो फिर मिठाई हार्ड बनेगी। थोड़ा सा मिश्रण को इस तरह से प्लेट में रख के ठंडा करें और उसके बाद उंगलियों के बीच में इसे गोल गोल घुमा कर देखें। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल बन रहा है। इसका मतलब है कि मिठाई बनाने के लिए मिक्सचर परफेक्ट है। गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम 2 मिनट ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसकी गर्माहट से ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा ठंडा भी हो जाए। और ये देखिए, हल्का सा ठंडा होने से ही आप देख सकते हैं ये थोड़ा पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। हमें मिश्रण को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये सेट हो जाएगा। मिश्रण इतना गर्म होना चाहिए कि हमारे हाथ उसे सहन कर सके। मैंने यहाँ पर एक बॉटल का ढक्कन लिया है, जिसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। इसे आपको एक ही बार ग्रीस करना है, बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब मिश्रण को इसमें डालकर हल्के हाथों से इसे दबाते हुए प्रेस करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कुकीज़ कटर से भी इसे मनचाहे शेप में इस मिठाई को बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे लड्डू या पेड़े के रूप में भी बना सकते हैं। हल्का सा इसे गोल गोल घुमाएंगे ढक्कन को और इसे टैप करेंगे और आप देखेंगे बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस मिठाई को बनाने में। आप इसके छोटे बड़े किसी भी साइज़ की मिठाई बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। मिठाई को और सुंदर दिखने के लिए मैं इसे चांदी के वर्क और काजू के एक टुकड़े से गार्निश कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे प्लेन रखें या फिर अपने मनपसंद किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। और लीजिए, हमारी अनोखी स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।